सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो आप देख सकते हो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये HDRCC लुक इफेक्ट लगाया हूँ। सो सिंपली इस तरह सा वीडियो एडिटिंग करना चाहे तो सिंपली मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, सिंपली उसके ऊपर टैप कर देना। सो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो HDR स्मूथ एलाइन मोशन जो फाइल है XML, सो सिंपली उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सो डाउनलोड करने के बाद आपका फाइल जो है फाइल मैनेजर में चला जाएगा। उसके बाद आप फाइल मैनेजर ओपन करना, डाउनलोड फोल्डर में आ जाना, सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, सिंपली उसके ऊपर टैप करके शेयर बटन पर क्लिक करना और एलाइन मोशन पर टैप कर देना। सो एलाइन मोशन पर इंपोर्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। उसके बाद एलाइन मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर टिप करना, सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट 50। सो सिंपली ये वाला प्रोजेक्ट को आपको टैप करना है। सो सिंपली टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली यहाँ पर आपको टैप करके सिलेक्ट ऑल लेयर्स पर टैप करना है। उसके बाद टैप करके कॉपी फोर लेयर्स पर टैप कर देना है और एक कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और आपको प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, 9:16 सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसके ऊपर टैप करना है, मीडिया पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका गैलरी में जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हो उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैं वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो वीडियो में है कोई भी इफेक्ट नहीं लगा है। तो सिंपली इस वीडियो के ऊपर मैं इफेक्ट लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस वाला आइकन, सो सिंपली इसके ऊपर टैप करना है और आपको पेस्ट फोर लेयर उसके ऊपर टैप कर देना है। सो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो इफेक्ट है लग चुका है और आपका भी इफेक्ट कुछ इस तरह से लग जाएगा। सो अभी इस वीडियो को आप सेव कर सकते हो। तो सिंपली आपको सेव करना तो आता ही होगा, तो सिंपली ऊपर में आपको राइट करना दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसके ऊपर टैप करना और सेव कर लेना भाई।